देखो ऋषिकेश वालों, दो प्रकार की नदियां इसी खानदान के लोगों के कारण निकली हैं। भगवान रामचंद्र जी के खानदान ने पृथ्वी को दो नदियां दी हैं। इनके खानदान में एक राजा थे त्रिशंकु। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मैं शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूं। राजाओं को अक्सर अहंकार हो जाता है कि उनका शरीर स्वर्ग के योग्य है। यह सदा होता रहा हो जाता है। उनको लगता है कि जो पंच तत्व का शरीर है ये बिल्कुल स्वर्गी क्या। तो त्रिशंकु को लग गया कि मैं स्वर्ग जा सकता हूं। क्षमता का अहंकार बड़ी बुरी चीज है। क्षमता का अहंकार था। उसने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मुझे इस शरीर से ही स्वर्ग भेज दीजिए। वशिष्ठ ने कहा, राजन आप पृथ्वी के राजा हैं, तीन लोगों के नहीं है। तीन लोगों का तो कोई और है, वो आपके खानदान में पैदा होगा, चिंता मत करिए। वो भी शरीर छोड़ के जाएगा सरयू नदी में, वो भी शरीर के साथ नहीं जाएगा। लेकिन अहंकार अक्सर गुरुओं की बात नहीं मानता, ये भी हमने भोग के देखा है। त्रिशंकु ने नहीं मानी। उसने कहा, मेरी इच्छा तो ठीक है, ये गुरु खराब है। कोई भी योग्य मारीच किसी रावण को जब उपदेश दे तो रावण मानता ही नहीं है। वो विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि है, राजा ऋषि है, लेकिन उनकी वशिष्ठ से थोड़ी ईर्ष्या थी, हल्की सी रही होगी मन में कोई बात। वशिष्ठ ने कहा, अच्छा तेरे गुरु ने नहीं पहुंचाया, हम तुझे पहुंचाएंगे, चिंता मत कर, शरीर से ही पहुंचाऊंगा बेटा, मेरे पास तपोबल है। उसने कहा, गुरुजी आप ठीक गुरु मिले हो, वो गुरु ठीक नहीं था। गुरु पर शंका। विश्वामित्र जी ने उसे नीचे से ऊपर फोर्स मारा। ऊपर इंद्र को पता चला कि पार्सल तो विद बॉडी आ रहा है। इंद्र ने इनसे पूछा कि प्रभु ये डिलीवरी लेनी है कि नहीं लेनी है। इन्होंने कहा, नहीं नहीं, जब तक भस्मीभूत होकर गंगा में ना घुल जाए तब तक मैं प्राण नहीं लेता। ये पात्रता है, गेटवे यही है, पहले वीजा बनेगा फिर बॉर्डर क्रॉस होगा। उन्होंने ऊपर से बल लगाया, वो नीचे लटक गया। अब त्रिशंकु बीच में लटका हुआ है। नीचे से विश्वामित्र ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर से इंद्र नीचे भेज रहे हैं, वो बीच में लटका हुआ है। तो आश्चर्य के कारण उसका मुंह खुल गया। आपकी अहंकार पूर्ण क्षमता जब जब ईश्वरीय विधानों से पराजित होती है तो आप पुनर्विचार नहीं करते, आश्चर्य से आपका मुंह ही फट जाता है कि ये क्या रिजल्ट आ गया, ऐसा कैसे हो गया भाई। त्रिशंकु के साथ भी यही हुआ, उसका मुंह खुल गया और उसके मुंह से जो लार गिरी पृथ्वी पर वो बिहार में जाकर गिरी। उससे एक नदी पैदा हुई जिसका नाम है कर्मनाशा। जो उसमें नहा लेता है उसके अच्छे बुरे कर्मों का नाश हो जाता है, अच्छे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। एक राजा तो हुए त्रिशंकु, भगवान राम के पूर्वज, जो अपने स्वर्ग जाने के लिए जिन्होंने तपस्या की और कर्मनाशा पैदा की। एक दूसरे राजा हुए भगीरथ, जिन्होंने लोक के कल्याण के लिए गंगा की कामना की, तो अपने पूर्वजों का भी उद्धार किया और वंशजों का भी उद्धार किया। ऋषिकेश वालों, अगर अपने निजी स्वर्ग की कामना के लिए प्रार्थना करोगे तो कर्मनाशा पैदा करोगे, और संसार के मंगल के लिए श्रम करोगे तो गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बन जाओगे। ये एकमात्र ज्ञान। मैं पिछले दिनों गंगा स्तुति पढ़ रहा था, रहीम की लिखी हुई। आपने गंगा स्तुति सुनी आद्य शंकराचार्य की। आप गंगा अवतरण पढ़िए जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर का। मैंने भी गंगा पर कुछ लिखा है, मैं सुना दूंगा। लेकिन एक पांच वक्त के नमाजी मुसलमान अब्दुल रहीम खान खाना ने गंगा पे एक श्लोक लिखा। उससे ही सिद्ध होता है कि कहते कुछ भी रहो, आपकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन डीएनए भारत है, डीएनए पुरखों का है, राम का है, कृष्ण का है, गंगा का है। श्लोक सुना रहा हूं आपको। रहीम ने कहा, अच्युत चरण तरंगिणी, विष्णु के श्री चरणों में तरंग के रूप में रहने वाली, शशि शेखर मौल मालेती माले, और जिनके शीर्ष पर शशि अर्थात चंद्रमा विराजमान है, उनकी मौली में मालती माला के समान लिपटी हुई। यहां तक तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्युत चरण तरंगिणी,
शशिशेखर मौल मालती माले। अगली पंक्ति पर सिद्ध होता है कि रहीम, चाहे किसी भी ईमान में, किसी भी दीन में, मजहब में ईमान ले आता हो, वो रहेगा हिंदुस्तानी ही। रहीम कहते हैं, मम तन वितरण समय, जब मेरे शरीर का भस्म बनाकर तू वितरण करे तो मुझे विष्णु का लोक मत देना है ईश्वर, मुझे शंकर का लोक देना। हरता दे या न मे हरिता, सब कहते हैं विष्णु मुझे अपने चरणों में ले लो, हे राम मुझे नहीं। रहीम कहते हैं, हे शंकर जी मुझे अपने लोक में रखना, क्योंकि मैं माता गंगा को चरणों में नहीं अपने सिर में रखना चाहता हूं आपके। क्या अद्भुत श्लोक याद आया, मम तन वितरण समय हरता दे न मे हरिता। जो वैरागी को भी प्रिय है वो गंगा है, विरागियों को बहुत कुछ बात प्रिय नहीं होती है, लेकिन जो विरागियों को प्रिय हो वो गंगा है। भगवान शंकर के लिए गंगा आकर्षण की कहानी है, और रहीम ने गंगा पर लिखा है, रसखान ने गंगा पर लिखा है। रसखान तो यहां हरिद्वार ऋषिकेश आए, महीनों महीना यहां रहे गर्मियों के जाड़ों के दिन में। और कौन रसखान? सैयद इब्राहिम पठान रसखान। उसने कहा, मैंने वेद की औषधि नहीं खाई और ना ही मैंने कोई संयम किया, खूब गोलगप्पे खाए, खूब पकोड़े खाए, खूब तेल खाया, और उसके बाद क्या किया? गंगा का जलपान किया और सब पच गया। और कहते हैं कि हे सुधामयी भागीरथी, कुछ भी अपथ्य खा लूं तो भी पथ्य हो जाता है तुझे पीने से, क्यों? अंतिम पंक्ति में बताऊंगा क्यों। कि वैद की औषध खाई कछु न करे बहु संजम री सुनिमो से, वैद की औषध, वैद की औषध खाई कछु न करे बहु संजम री सुनिमो से, जलपान कियो रसखान, जलपान तो जलपान कियो रसखान, सजीवन जान लियो रस तो से, हेरी सुधामई भागीरथी, हेरी सुधामई भागीरथी, नित अत्य पभत्य बने तो ही को से, चबात फिरे आग धतूरो, चबात फिरे विष खात फिरे, शिव तेरे भरोसे, रसखान कहता है आग धतूरा और जहर खा लेता है शंकर, क्यों? क्योंकि माता गंगा उसे पता है कुछ भी खा ले उसके बाद तेरा एक लोटा पानी पी लेगा सब ठीक हो जाएगा। आंख धतूरो चबात फिरे विष खात फिरे, शिव तेरे भरोसे, देखो कलयुग है, यहां विश्वास करना कठिन है, यहां दो ही चीजों की दिक्कत है, श्रद्धा और विश्वास की, भरोसा नहीं होता है कलयुग में। और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार भगवानों की और अपनी आध्यात्मिक चेतनाओं की व्याख्या करने लगते हैं। गंगा के किनारे एक कवि सम्मेलन होता है महाकवि सेनापति की स्मृति में, वो महाकवि सेनापति, उन्होंने भी एक कविता लिखी है, उन्होंने कहा है कि राम को पकड़ना है तो जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि अंधे के हाथ में लकड़ी दे दीजिए चला जाएगा, राम के पद के संग संग घूमने वाली लहर है ये गंगा, इसको पकड़ लोगे तो राम को पकड़ लोगे। ये सेनापति ने कहा कि एक है उपाय राम पाई न के पाई वे को, एक है उपाय राम पाई न के पाई वे को, सेनापति अंध कह वेद की लकड़िया, सेनापति वेद कह अंध की लकड़िया, सेनापति वेद कह अंध की लकड़िया।
राम पद संगनी तरंगिनी है गंगा ताते, राम पद संगिनी तरंगिनी है गंगा ताते, याही पगी रेते राम पाव के पगरी, याही पगी रेते पाए राम 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 के पगरी। गंगा की उत्पत्ति ही जगत कल्याण के लिए हुई है। इन्हीं भगवान राम जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, जिन पर मैं अपनी निजी जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास व्याख्या है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ, इन्हीं भगवान राम के एक पूर्वज थे महाराज सगर। उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में उनके कोप के कारण ध्वस्त हो गए। अभी जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी, इनकी समस्या क्या है, ये किसी कहानी में आध्यात्मिक चर्चा या सत्संग या सुख नहीं पाते, प्रश्न करते हैं, मेरे को बहुत मिल जाते हैं, जहाज में मिल जाते हैं। भाई साहब एक बात पूछनी थी। मैंने कहा पूछो। वो रामचंद्र जी ने जो खड़ाऊ दी थी भरत जी को, वो कैसे दे दी? वो तो नंगे पैर गए थे। अभी से बताओ कि लिबर्टी के कौन से शोरूम से मंगाई थी उसको? कोई राम की कहानी में मतलब नहीं है, उसे कोई जिज्ञासा ऐसी व्यक्त करनी है जिसमें कहानी में शंका। फिर उसे वाल्मीकि रामायण से एक श्लोक सुनाया कि कैसे भरत के सेवक लेकर आए थे खड़ाऊ में, तो मुझसे किसी कोई पूछ रहा था, भाई साहब आप व्याख्या करते हो, एक राजा के 60,000 बच्चे कैसे हो गए? इतने तो दिन नहीं उसके जीवन के। 60,000 महाराज सगर की सेना की संख्या थी, और महाराज सगर अपने प्रत्येक सैनिक को अपना पुत्रवत स्नेह करते थे। कैसा राजा रहा होगा? नेपोलियन दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है, उसकी 24,000 लोगों की सेना थी। उसके बारे में भ्रांति चलती है, किंवदंती चलती है, कहानी चलती है कि उसे प्रत्येक सैनिक का नाम और उसका गांव पता था, वो नाम से बोलता था। एक बार इस सैनिक ने परीक्षा लेने के लिए उसने पूछा कि कैसे हो विलियम? विलियम ने कहा बहुत अच्छा, कहां रहते हो? तो उसने गांव दूसरा बता दिया। तो तुरंत नेपोलियन ने कहा कि पहले तो तुम उस गांव में रहा करते थे। 60,000 पुत्र यानी कि 60,000 सैनिक, राम के तो दो ही पुत्र थे। भगवान राम ने बड़ी मर्यादाएं तय की हैं, एक पत्नी व्रत, दो पुत्र। कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े ने प्रवेश किया। आश्रम की सुंदरता, हरियाली और जल को देखकर घोड़ा वहां रुक गया। कपिल मुनि ने नहीं बांधा था, लेकिन कपिल मुनि के उस आश्रम में जब घोड़े को ढूंढने के लिए सगर के सैनिकों ने प्रवेश किया तो उनमें अहंकार आ गया। मेरी बातों को तात्कालिक व्याख्या के हिसाब से सुना करो। राजा से ज्यादा अहंकार राजा के सैनिकों को होता है, आपने देखा भी होगा, और उस अहंकार का पराभव भी होता रहता है, वो नीचे ऊपर भी आता रहता है, ये होता रहना चाहिए। उनको अहंकार था कि राजा के सैनिक है। उन्होंने बिना ये जाने कि घोड़ा स्वेच्छा से आया है कि ऋषि ने बांधा है, कपिल मुनि के बारे में अपशब्द बोलने प्रारंभ किया कि तू चोर है, ऐसे बैठ गया है, बनता है अपने आप को ऋषि। कपिल मुनि तपस्या में थे, तपस्या भंग हुई, क्रोध आया, तो उन्होंने क्रोध से उन्हें भस्म कर दिया। जब उनको ढूंढते ढूंढते लोग पहुंचे तो पता चला कि 60,000 सैनिक भस्मीभूत हो गए। अब 60,000 शव पृथ्वी पर पड़े हुए, सोचिए कितना प्रदूषण होगा। ऐसे में उन्हीं के वंशज महाराज भगीरथ ने गंगोत्री से ठीक पहले हर्षिल एक जगह है, आप गए होंगे, हरिशिला, वहां बैठकर प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु के कमंडल से त्रिपत का नीचे की तरफ आई। अब ये तो तय हुआ कि आ जाएंगी, लेकिन ये ठहरेंगी कहां? कौन इन्हें अपने चरणों में, अपने आचरणों में धारण करे? तो फिर भगवान महेश से, शंकर से प्रार्थना की। शंकर ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। ये कहानी आपने सुनी। और तब यहां जब शिवालिक के रूप में बैठे हुए, शिवालिक क्या है? शिव की अलकें, शिव की जटा की अलकें। शिव ने अपनी जटा झटकाई और सबसे पहले वो झटकने के बाद पृथ्वी पर पहली बार धारा के रूप में जहां आई, उस नगरी का नाम ऋषिकेश है। यहां पर सबसे पहले जहां मैं और तुम बैठे हुए। ये कहानी किसकी है? ये कहानी है गंगा की, यानी कि विष्णु जी के चरणों से निकली
शंकर जी के मानस में उनकी जटाओं में आई और पृथ्वी पर निकली। अब गंगा जी को इससे मिलाइएगा, ये कहां थी? ये विष्णु के आचरणों से निकली। गंगा विष्णु के चरणों से निकली और राम की कहानी विष्णु के आचरणों से निकली। और कहां पहली बार आई? भगवान शंकर के मानस में आई और उन्होंने पार्वती जी को सुनाई। तो ध्यान रखना, राम कथा भी गंगा है और गंगा तो गंगा है, इसीलिए दोनों समान है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के चरणों को सुखदाई बताते हुए कहा था कि इन्हीं चरणों से प्राकट्य हुआ है गंगा जी का। भजे मन राम चरण सुखदाई, 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 भजे मन राम सुखदाई, भजे मन राम सुखदाई, जिन चरणन से निकसी सुर सरी, जिन चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भजे मन राम जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का